बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और मज़े मज़े के खाने पर बना के खा भी रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने किचन में, चंदा कुक हाउस में। तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है जी देगी चिकन पुलाव। ठीक है, बिल्कुल जो देगों में पकता है और हम देग का बड़े मज़े से खाते हैं, तो आज हम अपने घर में ऐसा बनाएंगे और हमें देगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि देग का पुलाव खाएँ, आप खुद भी बना सकते हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ आ गए हैं। ठीक है, अब हम बताती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स को आपने गौर से नोट करना है। ठीक है, एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है, तभी आपका वैसा ही बनेगा जैसा कि देगी चिकन पुलाव होता है। कोई भी स्टेप को आपने मिस नहीं करना है इसमें, और चीज़ें आपने अच्छे से नोट कर लेनी है सारी। तो सबसे पहले हमारे पास चिकन है, जो कि तकरीबन हमारे पास दो चिकन है, ये तकरीबन 3 किलो चिकन होगा, 1.5 किलो के दो चिकन है ये। ठीक है, इसके बाद जी हमारे पास है प्याज। प्याज हमने के मीडियम साइज़ के 2 अदद प्याज लिए हैं, ये हमने कट कर लिए हैं। उसके बाद हमारे पास गरम मसाला है, गरम मसाले में हमारे पास तेज़पात है, हमारे पास ये देखें 2 अदद हमारे पास ये बादियान के फूल हैं, 4 हमारे पास बड़ी इलायची हैं, और 4 ये छोटी इलायची ग्रीन वाली। ठीक है, और ये मिक्स गरम मसाला है हमारे पास, इसमें लौंग, दालचीनी और ये जो है काली मिर्चें हैं और ज़ीरा है। ठीक है, इसके बाद आ जाएं जी इधर, ये हमारे पास जो है हमारे पास 4 हरी मिर्चें साबुत हैं, इसके साथ 1 टीस्पून हमारे पास सौंफ है और 1 टीस्पून हमारे पास सूखा धनिया साबुत है। ठीक है, ये हमारे पास 1 टेबलस्पून हमारे पास ये है जी अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये हमारे पास हरी मिर्चें पिसी हुई हैं। उसके बाद ये हमारे पास दही है, तकरीबन ये 250 ग्राम दही है हमारे पास, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको हमने कट कर लिया। ठीक है, प्याज को हमने गाइस ब्राउन करना है। ठीक है, प्याज को ब्राउन करने के लिए ब्राउन करके हमने इसको निकाल लेना है। ठीक है, तो ये हम फ्राई पैन में इसको ब्राउन करेंगे प्याज को। और इस साइड पे हमने अपने चिकन को गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, ये हम चिकन इसमें डाल देंगे। तेज आंच पे आप इसको गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक, गाइस प्याज को ब्राउन करने का जो तरीका होता है ना, हमें इसको क्रिस्पी करना है। ठीक है, तो क्रिस्पी करने के लिए इसको हम पहले तेज़ आंच पे इसको हम अच्छे से इसको गोल्डन सा कर लेंगे हल्का सा, फिर उसके बाद हम चूल्हा हल्का करके इसको गोल्डन करेंगे, तो ये हमारा अच्छा सा प्याज क्रिस्पी टाइप हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह का कौरमे में डालते हैं प्याज, उस तरीके से हमने इसको बना लें। और ये चिकन हमारा और है, देखें जैसे गोल्डन इस पर अच्छा सा कलर आएगा तो हम इसको निकालेंगे। ठीक है, और ये गाइस हमारी जो रेसिपी है ये 1 kg चावल की रेसिपी है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको जैसे ही आप मतलब ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो आप इन चीज़ों को डबल कर सकते हैं। ठीक है, हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो हमने तकरीबन हमारे पास 1.5 टेबल स्पून है ये वाला, इसका मैंने शायद नहीं आपको बताया, और ये बाकी अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये 1 टेबल स्पून है मेरे पास। ओके गाइस, ये देखिए चिकन हमारा ब्राउन हो चुका है, हमने इस तरीके से ब्राउन करना है। ये देखिए गोल्डन, कितना प्यारा कलर इसका आया है, गोल्डन ब्राउन सा हमने इसको करना है तैयार। ये चिकन हमारा हो गया रेडी, अब हम चलते हैं, ये प्याज भी हमारा रेडी हो गया। ये देखिए, ये देखिए, ये भी ये हो गया, देखिए कैसे ये हो गया, आपको आवाज़ आ रही है। ये हमारा क्रिस्पी हो गया, ये भी हम साइड पर रखेंगे। ओके गाइस, ये हमने ऑयल इसके अंदर डाल दिया, तकरीबन 1 कप हमने ऑयल लिया है। ठीक है, ये हमने डाल दिया देगची के अंदर, अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर। ओके
टमाटर को थोड़ा सा हम भूनेंगे अभी। इसके साथ ही हमारी हो जाएगी ब्राउन प्याज, साथ में ब्राउन प्याज पकड़ाओ। ये हमारी ब्राउन प्याज इसकी बन जाएगी, ठीक है। और इसके साथ हम अपना ये गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर। ये है जी बादियान के फूल जो हैं, इनको हम ज़रा तोड़ लेंगे, ठीक है। ये देखें ऐसे करके, ये ऐसे हम तोड़ लेंगे, ठीक है। इसमें ये हमारा साबुत गरम मसाला, 4 अदद हमारी ग्रीन इलायची, 4 हमारी मोटी इलायची, काली वाली बड़ी जो होती है, और 2 अदद बादियान के फूल, ये सारा चलते। मैं ये इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, जितना आप खाते हैं, कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं। और यखनी, जब इसकी यखनी का हम करेंगे तो उस वक्त आप टेस्ट भी कर सकते हैं नमक, ठीक है। कम अगर कम हो तो और डाल सकते हैं, तो इसलिए शुरू में आप नमक कम ही रखें। नमक ऐड कर दिया, अब इसके अंदर हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो चला जाएगा। मोटी मोटी हरी मिर्चें कूटी हुई है, ठीक है। ताकि हमारा अदरक लहसुन जरा अच्छा सा भून जाए। बहुत मज़े की पुलाव की रेसिपी दे रही हूँ, इस तरीके से पकाएं, आपको इंशाल्लाह सारे घर वाले पसंद करेंगे, आपको भी सॉरी पुलाव को, और आपको भी पसंद करेंगे, फिर आपको ही कहा करेंगे जब पुलाव बनाओ जो बनाएगा ये वाला। साथ में देखिए पकड़ाओ मुझे। अब जी इसके अंदर जाएगा दही, अब हम थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे जरा, ताकि ये हमारे टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाएं, ठीक है। 5 मिनट के लिए तकरीबन। ओके गाइस, 5 मिनट हो चुके हैं, ये देख लेते हैं हमारा मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है। ये थोड़ी सी हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर ये थोड़ी सी इमली ऐड कर देंगे। अब हम गाइस इसके अंदर पानी डाल देंगे, ठीक है। मेरे 3 गिलास चावल थे, ठीक है, और 3 गिलास में मैं इसके अंदर 5 गिलास पानी डालूंगी। 1 गिलास स्किप करूंगी, पूरा पूरा पानी आपने नहीं डालना, क्योंकि हमारे चावल भीगे हुए हैं, फिर चावल हमारे ज़्यादा गल जाएंगे। तो आप अगर आपने चावल मतलब कम टाइम के लिए आपके चावल भीगे हुए हैं
तो फिर भी आप आधा गिलास स्किप कर लें, उसमें से पानी पूरा पूरा ना डाला करें। ठीक है, ये हम पानी डाल देंगे इसमें। यहाँ पर हम अपना नमक टेस्ट कर लेंगे। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और नमक डालूंगी। इस स्टेज पे आके अपने नमक जरूर टेस्ट कर लेना है, ताकि आपका जो पुलाव है ना वो फीका फीका ना बने। अब इसके अंदर जाएगा ये हमारा चिकन। ये अब मैं चिकन अपना ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ऐड कर दिया हमने। अब यहाँ पर इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया साबुत, सौंफ और ये जो हरी मिर्चें हमने रखी हुई हैं, ठीक है, ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे। ये चलिए, अब थोड़ा सा हम इसको पकने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। अब ये 2 मिनट तक तकरीबन हम इसको पकाएंगे, नेक्स्ट फिर हम आपको स्टेप बताते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। 2 मिनट हो गए, आप ये चावल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। चावल में डाल लें। ये थोड़ा पकेगा, जैसे इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होगा देखेंगे, फिर हम इसको दम की तरफ लेके जाएंगे। ओके गाइस, देखते हैं अब आके ढक्कन, 10 से 15 मिनट हो गए इसे पकते हुए, ये देखिए क्या आइडियल टाइम पे हमने ढक्कन हटाया इसका। अब ये जाएगा दम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए इस वक्त ये दम के लिए बिल्कुल रेडी है हमारा चिकन करी, चिकन पुलाव, चिकन देगी पुलाव, बहुत मज़े का, बहुत ही शानदार, खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। इसको दम देंगे, ये रखेंगे ऊपर। आपके पास फाइल पेपर हो तो वो भी रख सकते हैं। ये देखिए ऐसे हमने दम पे दे दिया, आंच को बिल्कुल हमने हल्का कर दिया है। और अब ये 10 से 15 मिनट के लिए दम पे जाएगा। इतनी देर में मैं आपको चटनी के लिए बता देती हूँ कि आपने चटनी कैसे बनानी है इसके साथ। आज रायता हम जो बना रहे हैं इसके साथ, बहुत ही मजे का रायता बनने जा रहा है। और रायते के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, ये है जी कि हमने इसके अंदर पीसने के लिए हरी मिर्चें और हरा धनिया डाला है बस, ठीक है। और साथ हम इसके नमक डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये हमने दही लिया, तकरीबन आधा किलो हमारा दही है, और उसके साथ हमारे पास प्याज है कटा हुआ, और हमारे पास खीरे हैं, ठीक है, कुकम्बर है। अगर आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, हमारे घर में बच्चे टमाटर नहीं खाते तो मैं इसकी वजह से टमाटर नहीं डालती, वरना टमाटर भी इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह बारीक कटे हुए टमाटर साथ रखें। और अब हम चटनी बनाने जा रहे हैं। ये हमने हरी मिर्चें और हरा धनिया लिया, इसके अंदर हम थोड़ा अपना दही ऐड करेंगे, ठीक है, फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे जी नमक, डाल दिया हमने।
नमक की वजह से ना चटनी जल्दी पिस जाती है। अब हम इसको पीस लेते हैं। तो हमने बीट कर लिया है, ये देखिए इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं है, ठीक है। अब ये हम इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और इसके अंदर हम ये प्याज और ये खीरे, कुकम्बर एंड अनियन बिल्कुल बारीक कटा हुआ, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए आप चटनी की, टमाटर भी अच्छे लगते हैं और टमाटर बच्चे नहीं खाते इसलिए मैंने डालती। ये देखिए, ये आप जब पुलाव के साथ खाएंगे तो क्या लेवल होगा पुलाव का। ये हमारा रायता रेडी है। जब तक हमारा पुलाव दम है ये रायता हमारा फ्रिज में जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं हम, 20 से तकरीबन हमारे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं दम पे हैं चावल। तो आप चेक करते हैं हमारे चावल कैसे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शक्ल आप चेक करें, साथ में इसकी तो पिक्चर बननी चाहिए इस तरह। शक्ल देखें और बताएं कि कैसा पुलाव बना है। और चावल आप देखें कैसे खिले हुए, एक एक चावल दाना चावल का अलग अलग है। कैमरे पे थोड़े से लाइट आ रहे हैं, थोड़ा सा इसका कलर हल्का सा थोड़ा डार्क है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। साथ में इसके लिए रायता है। ये हमारी कंप्लीट डिश आज की। बताएं हमारी डिश कैसी बनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसके साथ ही मुझे उस्ताद नदीम को चंदा को खाओ से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।